दोस्तों कलर्स टीवी पर प्रसारित हुआ सुपर नेचुरल शो नागिन तो आप सभी ने देखा ही होगा, जिसके 5 सीजन टीवी पर प्रसारित हो चुके हैं और इन 5 सीजन में कई बेहतरीन अदाकाराएं नजर आ चुकी हैं, जिन्होंने शो में अपनी एक्टिंग स्किल्स, अपनी अदायगी, लुक और अपनी खूबसूरती से दर्शकों का मन मोह लिया है, जिसकी वजह से ये अभिनेत्रियां आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। तभी तो इन अभिनेत्रियों की चर्चा आज टीवी इंडस्ट्री में होती ही रहती है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि नागिन सीरियल में नजर आ रही अभिनेत्रियों में से कौन सी अभिनेत्री नागिन के रूप में सबसे ज्यादा चर्चाओं में है? आखिर किस नागिन के चर्चे हैं सबसे ज्यादा? नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको नागिन सीरियल में नजर आई उन अभिनेत्रियों से रूबरू करवाएंगे जो नागिन सीरियल में नजर आने के बाद आज टीवी इंडस्ट्री में काफी ज्यादा चर्चाओं में है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और रूबरू होते हैं नागिन सीरियल में नजर आई उन अभिनेत्रियों से। नंबर 8 पर है करिश्मा तन्ना। इस लिस्ट के 8वें नंबर पर नाम आता है अभिनेत्री करिश्मा तन्ना का, जो नागिन के पहले सीजन में रूही के किरदार में भले ही कुछ समय के लिए ही नजर आई थी, पर इन्होंने थोड़े समय रहने के बावजूद भी अपनी एक्टिंग से दर्शकों को दीवाना बना दिया था। तभी तो आज भी टीवी इंडस्ट्री में ये नागिन रूही के किरदार के लिए काफी ज्यादा चर्चाओं में है। नंबर 7 पर है रश्मि देसाई। इस लिस्ट के 7वें नंबर पर नाम आता है अभिनेत्री रश्मि देसाई का, जो कि नागिन के सीजन 4 में नयन तारा के किरदार को निभाती हुई नजर आई थी, जिसमें इनके लुक और इनकी अदाकारी को दर्शकों ने काफी पसंद किया था। तभी तो इन्हें नयन तारा नागिन के किरदार के लिए टीवी जगत में आज भी जाना जाता है और इनकी खूब चर्चाएं भी होती रहती हैं। नंबर 6 पर है निया शर्मा। इस लिस्ट के 6ठे नंबर पर नाम आता है अभिनेत्री निया शर्मा का, जो नागिन के सीजन 4 और 5 में वृंदा के किरदार को निभाती हुई नजर आई थी, जिसमें इनकी एक्टिंग और इनके लुक को दर्शकों ने काफी पसंद किया था, जिसकी वजह से आज भी टीवी इंडस्ट्री में नागिन लुक और इनकी अदायगी को दर्शकों ने काफी पसंद किया था। तभी तो टीवी इंडस्ट्री में नागिन वृंदा की आज भी काफी चर्चा होती है। नंबर 5 पर है सुरभि चंदना। इस लिस्ट के 5वें नंबर पर नाम आता है अभिनेत्री सुरभि चंदना का, जो नागिन के सीजन 5 में बानी के किरदार को निभाती हुई नजर आई थी, जिसमें इनके नागिन लुक और इनकी अदायगी को दर्शकों ने काफी पसंद किया था, जिसके चलते आज भी टीवी इंडस्ट्री में नागिन बानी काफी चर्चाओं में रहती हैं। नंबर 4 पर है अदा खान। इस लिस्ट के 4थे नंबर पर नाम आता है अभिनेत्री अदा खान का, जो नागिन के सीजन 2 में सेसा यानी काली नागिन के किरदार को निभाती हुई नजर आई थी, जिसमें इनके एक्सप्रेशन और इनकी एक्टिंग को दर्शकों ने काफी पसंद किया था, जिसके चलते टीवी इंडस्ट्री में अदा खान शेषा नागिन के रूप में आज भी काफी चर्चाओं में है। नंबर 3 पर है अनीता हसनंदानी। इस लिस्ट के 3रे नंबर पर नाम आता है अभिनेत्री अनीता हसनंदानी का, जो नागिन के सीजन 3 में विशाखा के किरदार को निभाती हुई नजर आई थी, जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही किरदार से दर्शकों का मन मोह रही थी, जिसकी वजह से दर्शक इन्हें नागिन विशाखा के रूप में आज भी काफी प्यार देते हैं। इसी की वजह से आज ये टीवी इंडस्ट्री में नागिन विशाखा के लिए काफी चर्चाओं में रहती हैं। नंबर 2 पर है सुरभि ज्योति। इस लिस्ट के 2रे नंबर पर नाम आता है अभिनेत्री सुरभि ज्योति का, जो नागिन के सीजन 3 में बेला के किरदार को निभाती हुई नजर आई थी, जिसमें इनके स्टाइलिश ड्रेसिंग सेंस और इनकी एक्टिंग को दर्शकों ने काफी ज्यादा पसंद किया था, जिसकी वजह से आज भी दर्शक सुरभि ज्योति को नागिन बेला के रूप में दोबारा से देखना चाहते हैं और नागिन बेला के किरदार को निभाने के बाद टीवी इंडस्ट्री में आज भी इनकी चर्चाएं जोरों शोरों से होती रहती हैं। नंबर 1 पर है मौनी रॉय। इस लिस्ट के 1ले नंबर पर नाम आता है अभिनेत्री मौनी रॉय का, जो नागिन सीरियल के सीजन 1 और 2 में नजर आई थी, जिसमें ये शिवन्या के किरदार को निभाती हुई नजर आई थी, जिसमें इनके नागिन लुक और इनकी एक्टिंग के साथ साथ इनकी अदायगी को भी दर्शकों ने काफी पसंद किया था, जिसकी वजह से टीवी इंडस्ट्री में नागिन शिवन्या के किरदार के साथ मौनी रॉय के ही सबसे ज्यादा चर्चे हैं। तो दोस्तों आपको इनमें से नागिन के किरदार में कौन सी अभिनेत्री सबसे ज्यादा अच्छी लगी, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।